हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है कृषिगत जो कुछ फसलें हैं, यानी जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, उनमें जो कुछ प्रैक्टिस की जाती हैं, उनमें कुछ क्रियाएँ की जाती हैं, उनको हम जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कवर किया है, 10 ऐसी कृषि क्रियाओं को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है। थोड़ा सा डिटेल हमने यहाँ पर कवर किया है, वैसे इतना डिटेल चूँकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, तो कभी डिटेल नहीं पूछता उसमें, तो केवल पूछा जाता है कि कौन सी प्रैक्टिस किससे संबंधित है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, चूँकि जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो चीज़ें सब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तब एक बार पढ़ने के बाद जो है आपको एक लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, केवल उसके पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं, तब वो चीज़ें उतने समय तक याद नहीं रहती हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी को हम आज समझेंगे यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले उन साथियों से जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं तो उनकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और जिससे वो अधिक से अधिक जो है लाभान्वित हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं जो भी एग्रीकल्चर की प्रमुख प्रैक्टिसेस हैं, कर्षण क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको हम जानते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको समझते हैं कि कृषि क्रॉप्स में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। कुछ हमें लगता है कि शायद ये 9th या 10th जो है आपका 9 या 10 के समथिंग हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, उनको बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे पेगिंग के बारे में, ठीक है, पेगिंग को समझेंगे। तो पेगिंग हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे पेगिंग क्या है, जैसे इस फिगर को देखिए। तो इस फिगर में नॉर्मली सबसे पहले यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हमने कि ये ग्राउंड नट में होता है, मूंगफली में ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये आपका पेगिंग क्या होता है, तो जैसे आप फिगर को देख रहे हैं, तो फिगर में हमने यहाँ पर जो येलो कलर का इसमें फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड नट का, ये मूंगफली के फ्लावर हैं, ठीक है। जब इनमें निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, चूँकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, तो जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्राउंड नट जो है एक पेग लाइक स्ट्रक्चर, यानी फली की जैसे संरचना बनाता है, लेकिन फली कम वो पेग लाइक ज़्यादा होता है, तो जैसे इस टाइप से संरचना बनाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है फिर ज़मीन में ये जो है अंदर जाता है, मतलब अंदर ज़मीन में धंसता है। जैसे आप देखें इन सारे जो है फिगर्स, इनको देखिए, इन पार्ट्स को देखिए, इन स्ट्रक्चर को देखिए, तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि नीचे की तरफ ये अंदर घुस गया है इसके, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ग्राउंड नट के लिए ऐसी सॉइल का चुनाव करना चाहिए, ऐसी मृदा का चुनाव करना चाहिए जो थोड़ा सा हल्की हो, मतलब उतना हल्की नहीं, थोड़ा सा या कह सकते हैं कि प्रॉपरली आपके लिए जो सैंडी लोम सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। तो चूँकि ये अंदर की ओर धंसेगी ज़मीन में जाएगा, जो इसका पेग है, यानी निषेचन के बाद जो है जो फ्लावर होता है निषेचन के बाद, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम पेग कहते हैं। तो पेग बाद में अंदर इंटर करेगा सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर जब इसकी एंट्री होगी तब फिर ये आगे इसका मॉडिफिकेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, या पॉड फॉर्मेशन रियली जो है उसी समय होगा, ठीक है। तो फिर जो है इस तरीके से संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को, मतलब निषेचन के बाद उसका पेग में कन्वर्ट होना, फिर उसके बाद पेग को फिर अंदर ज़मीन के अंदर एंट्री करना, ठीक है, तो पेग का ज़मीन के अंदर एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है इसे पेगिंग कहते हैं, ठीक है। पेगिंग इज़ द एंट्री ऑफ पेग इन द सॉइल, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। आइए समझते हैं इसको, जो यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है डेफिनेशन टाइप का। तो पेगिंग इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इन ग्राउंड नट। पेगिंग कह रहे हैं, पेगिंग एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है, ऐसा एक लक्षण है ग्रोथ का, यानी वृद्धि का, किसकी वृद्धि का, एम्ब्रियो का, ग्राउंड नट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज़ फाउंड इन ग्राउंड नट, इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है ये पाई जाती है ग्राउंड नट में, एंड सेपरेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्राम द मदर प्लांट। तो ये दर्शाता है आपका, ये जो ग्रोथ होती है ये एम्ब्रियो को मदर प्लांट से सेपरेशन का, यानी उसको अलग करने का एक मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। हिंदी में समझें तो हिंदी में लिखा है कि पेगिंग मूंगफली में भ्रूण के विकास की विशेषता है, मतलब जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद पेग फॉर्मेशन होगा और पेग फिर अंदर घुसेगा, तो पेग के अंदर सॉइल में एंट्री करने को ही पेगिंग कहते हैं। तो जब वो अंदर जाएगा तब फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। तो नॉर्मली देखें तो जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्लांट है हमारा वो एरियल पार्ट है, ठीक है,
तो ग्राउंड के आसपास आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है मदर प्लांट से, इस तरीके से बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार की वृद्धि मूंगफली में पाई जाती है, यानी ग्राउंडनट में होती है, और यह भ्रूण को मदर प्लांट से अलग करने की एक मतलब कह सकते हैं एक्टिविटीज़ होती है, एक क्रिया होती है। तो हमें लगता है कि समझ गए होंगे कि पैकिंग क्या है। तो पैकिंग हमने बताया कि जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है ग्राउंडनट में मूंगफली में, तो पेग का फॉर्मेशन होता है, पेग फिर सॉइल के अंदर एंट्री करती है, तो पेग के सॉइल के अंदर एंट्री करने को पेगिंग कहते हैं। और फिर जब वो सॉइल के अंदर एंट्री हो जाता है तभी रियली में जो है आपका वास्तविक रूप से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सॉइल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह देते हैं कि पेगिंग जो है आपका ग्राउंडनट मूंगफली में भ्रूण यानी एम्ब्रियो को मदर प्लांट से अलग करने की एक प्रोसेस है, इस तरीके से बोल दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं साथी, निपिंग, ठीक है। अगली जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो है निपिंग, ठीक है। निपिंग क्या है? निप करना मतलब तोड़ लेना। अब निपिंग किसको, जैसे फिगर अभी हमने यहाँ पर मेंशन किया है जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले समझते हैं निपिंग को, तो इसको पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ द टिप, रिमूवल मतलब अलग करना, किसको अलग करना, टिप को, किसका टिप, ऑफ यंग ब्रांचेस, ठीक है। मतलब जो शीर्ष जो है या छोटी छोटी मतलब जो अभी अभी ब्रांचेज बनी हैं उनको हम टिप कर लें, ठीक है, उनको हम तोड़ लें, उनको अलग कर लें, ठीक है, तोड़ करके अलग करें, निप करके, निप का मतलब यानी उसको कह सकते हैं कि आपका जो मतलब फिंगर्स होती हैं अंगुलियाँ, अंगुलियों की सहायता से उसको हम रिमूव करें, तो इसे निपिंग कहते हैं, ठीक है। किसको हम निप कर रहे हैं, तो हम यंग ब्रांचेज को निप कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है आपका ग्राम में, ठीक है, इसको हाईलाइट भी हमने किया है कि ग्राम में ये प्रोसेस होती है निपिंग। व्हेन इट इज़ 2 to 4 weeks ओल्ड इज़ नोन एज निपिंग या टॉपिंग, ठीक है, इसे निपिंग या टॉपिंग भी कहते हैं। तो नॉर्मली इसको निपिंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो जब 2 से 4 सप्ताह पुरानी जो है आपका पौधा हो जाता है, ठीक है, आपका प्लांट, ग्राम प्लांट, चने का पौधा जब 2 से 4 सप्ताह पुराना हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो यंग ब्रांचेज होती हैं उनकी हम सीड्स वाली जो है भाग को तोड़ देते हैं, निप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्रांचिंग की जो प्रोसेस होती है, मतलब साइड ब्रांचिंग, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी उतने ही ज़्यादा जो है इसमें पॉड फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम निपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है कि किस तरीके से जो है इसकी जो यंग ब्रांच होती है उसको निप कर दिया जाता है, यंग ब्रांच को निप कर देते हैं। तो जो साइड वाली ब्रांचेज होती हैं इनकी अच्छी ग्रोथ होती है, और अगर इसको निप नहीं करेंगे तो केवल यही जो है आपका जो ऊपर वाला जो जो ब्रांच है ऊपर वाला, यहाँ पर फ्लावरिंग होगी, और यहीं पर जो है कह सकते हैं कि वो आपका जो है यानी पॉड का फॉर्मेशन होगा, और यही ज़्यादा ग्रोथ करेगा, साइड वाले ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो साइड पॉड्स की भी ग्रोथ हो, वहाँ उनको भी न्यूट्रिशन प्राप्त हो, इसलिए हम उसको निप कर देते हैं। जैसे कि हमने जब आपको पढ़ाया था हार्मोन्स के बारे में, तो आगिन हार्मोन्स के बारे में, तो वहाँ पर हम एपिकल डोमिनेंसी के बारे में बताया था कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो उनका शीर्ष भाग होता है उसमें डोमिनेंसी वाई दी अर्थात, तो वहाँ पर सेल के डिवीज़न का या कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। तो इस तरीके से उसको हम कट कर देते हैं, तो फिर साइड में भी उनको सही पोषण प्राप्त होता है। अगली प्रोसेस है वो है टॉपिंग, ठीक है। टॉपिंग, निपिंग एंड टॉपिंग, तो दोनों लगभग सेम उसी टाइप से हैं। तो टॉपिंग क्या है, वहाँ पर हमने निपिंग में क्या बताया था, निपिंग में हम ब्रांच को, ठीक है, जो यंग ब्रांच है उसको हम कर देते हैं, निक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर यानी अंगुलियों की सहायता से उसको हम रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं। टॉपिंग क्या है, टॉपिंग में हम फ्लावरिंग जो हमारा पार्ट है यानी जो फ्लावर है, जो पुष्प है, उसको हम अलग करते हैं। आइए देखते हैं जो टॉपिंग है, टॉपिंग आपका देखने को मिलता है तंबाकू जैसी क्रॉप्स में, ठीक है। तो इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सच एज टोबैको, मतलब कुछ आपका कृषि फसल हो जैसे कि आपका तंबाकू में, द बडिंग पार्ट, ठीक है, यानी इसमें बडिंग पार्ट को हम अलग करेंगे, ठीक है। द बडिंग प्लांट ऑफ द बडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड, जो बडिंग पार्ट है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ एक्जिलरी शूट्स, और जो एक्जिलरी शूट्स होती हैं, ठीक है, एक्जिलरी शूट्स का मतलब समझ रहे हैं ना कि देखिए दो प्रकार के हम टर्म्स को यूज़ करते हैं, एक टर्मिनल और एक्जिलरी। टर्मिनल का मतलब जो शीर्ष वाला भाग होता है, ठीक है, टर्मिनल का मतलब यानी शीर्ष भाग होता है, ये इस शीर्ष भाग को बोलते हैं, और ये साइड जो होता है यहाँ से ब्रांचिंग निकली होती है उसे एक्जिलरी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बताया है कई बार बच्चों को जो है कि टर्मिनल क्या है और एक्जिलरी क्या है। तो इससे जो हम बडिंग को, जो हम टोबैको में जो है हम बडिंग पार्ट को जो अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो कि टॉप पे होता है, तो जो ग्रोथ होती है एक्जिलरी बड्स, एक्जिलरी शूट्स की, ठीक है, जिसे हम सकर्स कहते हैं, एक्जिलरी शूट्स की जिसे हम सकर कहते हैं, वो जो है आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसको केमिकली आपका केमिकल से यानी आपका रसायन की सहायता से। और फिर उसके बाद जो है ऐसा करने से क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, उनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए दो प्रकार से हम बात कर सकते हैं, देखिए अगर मान के चलिए टोबैको है, तंबाकू है, ठीक है, उसमें जो फ्लावरिंग आपका, जो फ्लावरिंग आपका यानी जो टर्मिनल पार्ट है जहाँ पर फ्लावर्स निकले हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे, उसको हम टॉप कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे
उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, बडिंग पार्ट को हम हटा देंगे। बडिंग पार्ट को हटा देंगे तो जो लीप्स होती हैं, ठीक है, या साइड में जो और भी एक्जिलीज जो आपका सूट है उनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है, पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होंगी। देखिए तंबाकू है तो तंबाकू के हम उत्पादन की बात करें तो देखिए ये टॉपिंग जो है आपका एक प्रकार से तंबाकू के उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रोसेस है, और तंबाकू में उत्पादन संबंधित है पत्तियों से, ठीक है, तंबाकू का उत्पादन संबंधित है पत्तियों से। तो हम जब बडिंग पार्ट को हम रिमूव करते हैं जो कि टॉप पे है, तो बडिंग पार्ट को रिमूव करते हैं तो इससे इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि बडिंग पार्ट को रिमूव करने से जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बस सिंपल सी बात, इतना समझिए, ठीक है। आइए एक फिगर को देख लेते हैं, फिगर में किस तरीके दिखाए गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिगर को, तो यहाँ पर ये बडिंग पार्ट है, इसको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है। तो ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है, एक्जिली जो पार्ट्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका टॉपिंग का, टोबैको में इस प्रोसेस को किया जाता है। आगे चलते हैं, अगली प्रोसेस है हमारी प्रॉपिंग, ठीक है। बस इसको बस ध्यान से आप समझते चलिए, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। अगली है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपिंग क्या है। तो इट इज़ मेथड बाई विच सपोर्ट इज गिवन टू बनाना। तो सबसे पहले आपको इसका एक एग्जांपल है प्रॉपिंग का, बनाना। ये जो प्रॉपिंग वाली जो प्रोसेस होती है ये बनाना में की जाती है, ठीक है, केले में की जाती है। तो ये एक मेथड, ऐसा मेथड है बाय विच, जिसकी सहायता से सपोर्ट यानी आपका सहारा इस गिवन दिया जाता है, ठीक है। एक ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं किसको, बनाना को यानी केला को, जो बनाना जो प्लांट होता है, ठीक है, उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और उसको हम सहारा देते हैं इस मेथड के माध्यम से। बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, बनाना बियरिंग प्लांट्स, और ये उसमें किया जाता है, नॉर्मली सभी बनाना प्लांट में नहीं किया जाता है, जिनमें जो बियरिंग है मतलब जिनमें फल लगे हैं उनमें किया जाएगा, ठीक है। बियरिंग प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैम्बू एंड कैजुराइनास एंड ल्यूकेलिप्टस पोल्स, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर प्लांट दिए गए हैं, बैम्बू, ठीक है, बांस की सहायता से, कैजुरियाना की सहायता से, या यूकेलिप्टस के पोल्स की सहायता से, ठीक है। इनके डंडे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ऐसे पोल की तरह खड़े कर देते हैं, ठीक है, और उससे उसको हम सपोर्ट देते हैं बनाना को, बियरिंग बनाना प्लांट को, ठीक है। जो हमारा बियरिंग बनाना प्लांट है इसमें फल लगे हुए हैं उसको इसलिए करते हैं क्योंकि बनाना का जो प्लांट है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं होता है, तो जब ज़्यादा फल लग जाते हैं तो वो पौधा गिर जाता है, ठीक है, उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पौधा झुक जाता है, झुकेगा, ठीक है, और जब झुक जाएगा तो उसकी जो जड़ें हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सही तरीके से पोषक तत्व ले नहीं पाएगा, और उस समय जब उसको सही पोषक तत्व मिलना चाहिए फ्रूट्स की जो है फलों की ग्रोथ के लिए, तो वो प्राप्त हो नहीं पाएगा, तो फल जो होंगे, फ्रूट्स होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो पौधा जो है केले का पौधा झुक ना पाए, ठीक है, वो उसी शेप में रहे, उसकी जड़ें जो है जैसे जिस अवस्था में थी वैसी अवस्था में ही रहें, प्रॉपर फूड को लेती रहें, या फिर कभी कभी हवा जब चलती है, ठीक है, हवा के कारण जो है पौधा गिर जाता है, ठीक है, तो उस इन सब चीज़ों से बचाव के लिए उसको हम सपोर्ट दे देते हैं। इसको हम फिगर देखें तो समझ में आएगा आसानी से आपके, ठीक है। देखिए जैसे फिगर आप देख रहे हैं, ये बियरिंग बनाना प्लांट है, ठीक है, इसको यहाँ एक पोल से ये दिख रहा है आपको इधर, एक और एक पोल से आपको ये दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया है इधर से और इधर से, ठीक है, इसे सपोर्ट किया गया है, इस वाले प्लांट में भी देख रहे हैं यहाँ पर भी सपोर्ट किया गया है। तो इसको हम इसलिए करते हैं कि पौधा जो हमारा झुके ना, और इसकी जड़ें प्रॉपर जो है व्यवस्थित रहें सॉइल में, और साथ ही साथ जो है ये जो है आपका जैसे हवा हवा कभी चल जाती है, ठीक है, तो उससे भी इसका बचाव हो, ऐसी कंडीशन भी गिरे ना। चलिए एक बार समझ लेते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा केले के पौधों को बांस, केजुरिना या यूकेलिप्टस के डंडों की सहायता से सहारा दिया जाता है, और जिससे कि उन्हें भारी गुच्छों के भार के कारण जब इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो जाती है, देखते हैं बनाना अपने प्लांट देखा भी है, उसमें बहुत ज़्यादा फल लग जाते हैं, तो भारी गुच्छों के कारण जो है झुकने या गिरने से और हवा से भारी छत से बचाया जाता है, और खासकर ये लंबी किस्मों के लिए मतलब जिनकी हाइट ज़्यादा होती है जिन बनाना प्लांट की, उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किया तो समय जाना चाहिए, लेकिन जो छोटे हैं, ठीक है, जैसे छोटे छोटे हैं ड्वार्फ वाले हैं, तो उनमें अगर आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ड्वार्फ वालों में ज़्यादातर जो है उतना उत्पादन होता भी नहीं है, तो जो बड़े वाले हैं उनमें इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा प्रॉपिंग को, ठीक है, ये जो ये प्रोसेस अपनाई जाती है प्रॉपिंग, ये आपका बनाना में इसका एग्जांपल याद रखिएगा क्या है। तो इसको आप फिगर से देख लिया है आपने, इसको हमने समझा भी दिया है बेहतर तरीके से। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है स्टैकिंग। अगली प्रोसेस है हमारी, अगली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है स्टैकिंग। तो स्टैकिंग क्या है, आइए समझते हैं। तो स्टैकिंग टोमेटोज प्रोवाइड सपोर्ट टू हेल्प कीप प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। स्टैकिंग क्या है, स्टैकिंग जो है आपका टोमेटोज यानी आपका तंबाकू में इसको प्रोवाइड किया जाता है, ये तंबाकू को सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये भी एक मेथड है। किस लिए इसको किया जाता है,
हेल्प कीप प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, पौधा जो होता है पौधे को ज़मीन से थोड़ा सा दूर रखने के लिए इसलिए इसको किया जाता है, क्योंकि जो ग्राउंड होता है, ठीक है, जो सॉइल होता है, अगर पौधा उसके टच में रहेगा, उसके संपर्क में रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो उसे मृदा से मिल सकती हैं, ठीक है, ज़मीन से मिल सकती हैं। तो पौधा जब हमारा ज़मीन से टच थोड़ा दूर रहता है, मतलब उसके जो वेजिटेटिव जो आपके पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके जो भी ग्रोथ वाले जो पार्ट्स हैं, उसके ब्रांचेज हैं, वो अगर ज़मीन के टच से थोड़ा दूर हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है उसका लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं और जो पैथोजेंस होते हैं उनसे उसे बचाव हो जाता है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। ग्राउंड वाइल असिस्टिंग इन देयर अपवर्ड्स ग्रोथ हैबिट बिकॉज मैनी डिजीज एंड इंसेक्ट्स स्टार्ट एट द ग्राउंड लेवल यूजिंग ए स्ट्रक्चरल सिस्टम टू कीप देम अवे फ्रॉम ग्राउंड कॉन्टैक्ट इज प्रूडेंट, ठीक है, वही मैंने बात की। अब हिंदी में एक बार फिर समझ लेते हैं कि टमाटर को पकड़ना, अब स्टेकिंग को पकड़ना कहते हैं, एक सपोर्ट है भी दिखाते हैं फिगर में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टमाटर को पकड़ना पौधों को ज़मीन से दूर रखने में मदद करता है, जब उसमें स्ट्राइकिंग करते हैं तो वो पौधों को जो है ज़मीन के जो आपका ग्राउंड का जो टच है उससे थोड़ा सा दूर रख लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ने की आदत ही मदद करता है, ऊपर की ग्रोथ को ही एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि ऊपर की ग्रोथ को बढ़ाने में जो है, मतलब पौधा ऊपर की तरफ जाए इसके लिए उसको प्रोत्साहित भी करता है, पौधा ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रोथ करता है। चूँकि कई सारे जो रोग होते हैं और कई सारे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ज़मीनी स्तर पर शुरू हो जाते हैं, इसलिए ज़मीनी संपर्क से इसको दूर रखते हैं, तो इन सब चीज़ों से इसे बचाव हो जाता है। ठीक है, अब इसको ज़रा फिगर से देख लेते हैं कि किस तरीके से, तो देख रहे हैं आप इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को देखिए आप, तो ये टोमेटो है, टोमेटो के पास में देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी पोल्स बनाए गए हैं, इसको यहाँ पर गाड़ दिया गया है, ठीक है, और ये पौधा जो है आपका टोमेटो का वो इसी पे अब चढ़ रहा है, इसी पे ग्रोथ कर रहा है, क्लाइम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक अच्छा मेथड है, ठीक है, इस तरीके से फसल की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत बेहतर रहती है, इंसेक्ट पेस्ट और जो है आपका पैथोजेंस जो होते हैं इनसे इसका बचाव होता है। तो ये टोमेटो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टैकिंग का। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, अगला है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप को हिंदी में बोलते हैं मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं क्या है अर्थिंग अप। तो इस अर्थिंग अप का एक एग्जांपल हम जानते हैं, अर्थिंग अप जो है नॉर्मली आपका इसका एक एग्जांपल हो गया आपका जैसे पोटैटो, ठीक है, बहुत सारे जो अंडरग्राउंड जो जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम वाले जो होते हैं उनमें अर्थिंग अप नॉर्मली की जाती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थिंग अप इज टू कीप द सॉइल लूज एंड डिस्ट्रॉय वीड्स एंड टू आर थ्री अर्थिंग अप शुड बी डन एट द इंटरवल ऑफ 15 to 20 days। द फर्स्ट अर्थिंग अप शुड बी डन वेन द प्लांट्स आर अबाउट 15 to 25 centimeters हाई एंड द सेकेंड अर्थिंग अप इज ऑफन डन टू कवर अप द ट्यूबर्स प्रॉपरली। तो ये था इंग्लिश में, अब इसी को हम हिंदी में समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो अर्थिंग अप क्या है, तो मिट्टी चढ़ाना यानी अर्थिंग अप का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को ढीला रखना और खरपतवारों को नष्ट करना, ठीक है। तो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो सॉइल को लूज रखना जो है, सॉइल को मिट्टी को लूज रखना और जो वीड्स होते हैं खरपतवार होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना होता है। और नॉर्मली 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 या 3 अर्थिंग अप आप कर सकते हैं, ठीक है, और किया भी जाता है। तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 या 3 अर्थिंग अप किया जाता है, इसको इसलिए करते हैं अभी ऊपर बताया कि मिट्टी को लूज रखता है और खरपतवारों को नष्ट करता है, ठीक है, मिट्टी को लूज रखेगा और खरपतवारों को नष्ट कर देगा, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्ट है। और पहला अर्थिंग अप हम 15 से 25 सेंटीमीटर जब पौधे का जब हाइट हो जाता है तब करते हैं, ठीक है, पहली अर्थिंग अप की जाती है 15 से 25 सेंटीमीटर जब पौधे की हाइट हो जाती है उस समय हम करते हैं। और दूसरी अर्थिंग अप जो है अक्सर जब ट्यूबर फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबर फॉर्मेशन के समय की जाती है, इसको इसलिए करते हैं सेकंड वाला ट्यूबर फॉर्मेशन के समय, क्योंकि जब ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे ट्यूबर्स जो होते हैं वो उस जो बेड बनी होती है उस बेड से बाहर निकल आते हैं, तो इनको अर्थिंग अप करके हम इनको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, तो हमारा उत्पादन बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो ये था अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना, और इसका एग्जांपल हमने बताया है कि आलू, ठीक है, और बहुत सारी जो भी क्रॉप्स होती हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम वाली होती हैं उनमें इसको आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला देखते रहते हैं, अगली प्रोसेस हमारी है गिनिंग। गिनिंग क्या है, तो गिनिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच द कॉटन फाइबर्स, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिए कॉटन, ठीक है, कपास में गिनिंग की जाती है। गिनिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच द कॉटन यानी आपका कपास फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन सीड्स, तो इसमें क्या किया जाता है, कॉटन फाइबर्स को जो है आपका अलग किया जाता है, कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से अलग किया जाता है। तो जो बॉल होता है जो, ठीक है, जो बॉल होता है यानी आपका कॉटन बॉल होता है, तो कॉटन बॉल में दो चीज़ें होती हैं, कॉटन फाइबर होता है और कॉटन सीड होता है। तो इस कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर और कॉटन सीड को अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, ठीक है।
तो जो कपास का जो उसका जो फ्रूट होता है, फल होता है, फल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसमें उसका फाइबर होता है और उसमें उसके सीड होते हैं, ठीक है। तो फाइबर और फाइबर को सीड से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हिगनिंग कहते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट, स्मॉल स्टोन्स एंड वुडन पार्टिकल्स एक्सेट्राज। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉटन हैविंग सीड्स इन देयर वॉल्स इज प्लक्ड फ्राम द फील्ड एंड देन इट इज़ मेड टू पास थ्रू द गिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉटन का बॉल होता है उसको हम फील्ड से उसको हम प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम गिनिंग के लिए उसको ले जाते हैं। और गिनिंग में हम क्या करते हैं, जो कॉटन का बॉल है उस बॉल को हम उस बॉल में से फाइबर्स और लिंट को या फिर कह सकते हैं कि जो उसका सीड होता है उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। इसको फिगर से समझ लेते हैं गिनिंग क्या है। तो ये गिनिंग आप प्रोसेस को देख रहे हैं। तो कॉटन बॉल को हम ले आएंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसकी गिनिंग की जाती है। इसमें फाइबर्स अलग हो जाता है और इसका सीड देखिए, बहुत सारे सीड्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सीड्स जो है, ये जो आपका ब्लैक कलर के हैं वो सब कॉटन के सीड हैं, ठीक है। कॉटन सीड्स को बिनोला कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, बहुत सारे सीड्स यहाँ पर, और इसका जो फाइबर्स होता है वो अलग करके बाहर रख दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कॉटन बॉल में से कॉटन फाइबर और कॉटन सीड को अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, इधर ही हिंदी में समझ लेते हैं, गिनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपास के रेशों को कपास के बीज या लिंट से अलग किया जाता है। और इसके साथ साथ अलग करते समय बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल होते हैं और छोटे छोटे पत्थर स्टोन्स होते हैं, लकड़ी के कण होते हैं, ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये सारी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी मतलब इनकी समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेंद, गेंद दिया गया है, गेंद का मतलब बॉल है, मतलब कॉटन बॉल जो उसका फ्रूट है, फल है, से बीज वाले कपास को खेत से तोड़ा जाता है और फिर इसे जिन से निकाला गुजारा जाता है, मतलब इसकी गिनिंग की जाती है, कहने का मतलब है। अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सी प्रैक्टिसेस है, तो है अगला है पैरा बॉइलिंग, ठीक है। पैरा बॉइलिंग क्या है, तो पैरा बॉइलिंग आपका राइस में या पैडी में की जाने वाली एक एक्टिविटीज़ है या प्रैक्टिस है। तो पैरा बॉइलिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाई रफ राइस इज स्टीप्ड इन कोल्ड और वार्म वाटर एंड हीटेड विद स्टीम अंडर प्रेशर आर इन बॉइलिंग वाटर टू जिलेटनाइज स्टार्च विद मिनिमम ग्रेन स्वेलिंग एंड फॉलोड बाई स्लो ड्राइंग एंड 15-16% एंड द प्रोसेस एक्सेलरेट एजिंग ऑफ द ग्रेन एंड लूजन द हल। इसको समझ लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझाया हुआ है, आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो आपका पैरा बॉइलिंग है, पैरा बॉइलिंग पैडी या राइस में की जाने वाली एक प्रोसेस है। इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो पैडी होता है, जो धान होता है, उसमें से जब हम उसको निकालते हैं राइस को, ठीक है, तो राइस जो हमारा काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो पैडी को सबसे पहले क्या करेंगे, पैडी को हम क्लीन करेंगे, ठीक है, हम पैडी लेंगे उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, उसको स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे, उसको सॉक करेंगे, मतलब उसको भिगोएंगे। कहाँ पर भिगोएंगे, सॉकिंग इन हॉट वाटर विथ फॉर 3 आवर्स यानी 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको गर्म पानी में 3 घंटे तक के लिए उसको हम सॉक करेंगे, उसको डुबो के रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 घंटे तक डुबोने के बाद उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम ड्रेनिंग कर देंगे उसकी, मतलब उसमें से पानी को निकाल देंगे। पानी को निकालने के बाद फिर उसको हम स्टीमिंग करेंगे, साथ उसमें भाप का प्रयोग करेंगे, उसको उसको वाष्पित करेंगे, ठीक है, भाप बनाएंगे, ठीक है, उसको या वेपर्स के साथ उसको हम यानी उसको स्टीमिंग करेंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं उसको उबाल देंगे या उस टाइप से करेंगे। फिर अगला है सीड ड्राइंग, ठीक है, उसको सुखाने के लिए सुखाया जाएगा 2-4 घंटे तक, ठीक, 2-4 घंटे तक सुखाया जाएगा। फिर उसके बाद पैडी को ड्राई कर दिया जाएगा और ड्राई करने पर इसमें लगभग 15-16% मॉइस्चर जो है इसमें बचती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे पैरा बॉइलिंग कहते हैं। पैरा बॉइलिंग प्रोसेस में जो हमारा जो पैडी होता है, जो धान होता है, वो जो है इसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, इधर पैरा बॉइल्ड राइस दिखाया गया है, इधर ये आपका जो नॉर्मल राइस है उसको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका कलर इस तरीके से थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, ठीक है, और ये जो है आपका वाइट कलर का, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका पैरा बॉइलिंग, मतलब हम जो हमारे पास जो राइस होता है उसको हम बॉयल कर देते हैं, उबाल देते हैं, उबालने के बाद उसको फिर उसके बाद हम उबालेंगे, ठीक है। अब उसमें टाइमिंग हमने बता दिया था, अभी फ्लो चार्ट में बताया था कितना कितना क्या टाइमिंग रहेगा, 3 घंटे तक 70 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसके बाद उसको ड्रेन करेंगे, फिर उसके बाद सुखाएंगे उसको, ठीक है, 3 घंटे तक, फिर ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम ड्राई करेंगे, ड्राई कर देंगे, 15-16% उसमें बचेगा क्या नाम है आपका मॉइस्चर, और वो हमारा जो उसको ऐसा करने के बाद उसमें उसे दो लाभ होते हैं। सबसे पहले तो जो राइस है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, और प्लस जो है उसका जो जो कवर होता है, मतलब जो उसका हल होता है, ठीक है, हल मतलब उसका छिलका जो होता है, ये जो है आपका ये लूज हो जाता है और आसानी से जो है उसमें से जो है आपका राइस और क्या नाम उसका कवर आसानी से अलग किया जाता है।
लास्ट प्रोसेस हमारी बची है रेटिंग, ठीक है। रेटिंग का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सड़ाना, ठीक है। तो रेटिंग मतलब सड़ाना। तो रेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द टाइड बंडल ऑफ जूट स्टॉक्स आर टेकन टू टैंक बाई विच फाइबर्स आर, तो ये आपका जूट में किया जाता है, इसको इसको पटसन में करते हैं, सनई में करते हैं, इन सब में इनको किया जाता है। तो इनसे फाइबर्स को अलग किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, एक नॉर्मल सी अगर इसकी हम प्रोसेस को समझें तो जूट या सनई या फिर आपका पटसन या ढांचा है, इन सब में इसको क्या किया जाता है कि ये इसकी जो मतलब जो स्टेम होता है, तना जो होता है, मतलब क्रॉप्स को हम काट लेते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज में, ठीक है, और वेजिटेटिव स्टेज क्या फ्लावरिंग स्टेज में काटते हैं। उसके बाद काटने के बाद हम इसको जो इसका बंडल बना लेते हैं, बंडल बनाने के बाद ये जैसे जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसके इसको बंडल बना लेंगे, ठीक है, इसका बंडल बना लेंगे, और बंडल बनाने के बाद इसको हम पानी में, ठीक है, इसको भिगो देते हैं, ठीक है, वहाँ पर वेट कर देते हैं, ठीक है, और वेट करने के बाद लगभग एक टाइमिंग होती है इसकी, ठीक है, तो मुश्किल से हमें लगता है कि शायद एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह तो लगेगा, इसे 10 से 15 दिन लोग टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम भिगोते हैं किसी जलाशय में, ठीक है, पानी में, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड टाइप के बैक्टीरिया ज़्यादा उसमें ग्रो करते हैं, वो ब्यूटायरिक एसिड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको सड़ा देते हैं उसके स्टेम्स को, तने को, और उसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसका जो कवर होता है, स्किन जो होता है, मेन हमारे लिए वही बेनिफिट उस बेनिफिशियल है, ठीक है। तो वो उसमें से हमको फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, सड़ाने के प्रोसेस को ही रेटिंग कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। तो रेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच द टाइड बंडल ऑफ जूट स्टॉक, तो जो टाइड बंडल होते हैं जूट स्टॉक के, आर टेकन, स्टॉक मतलब तना जो, आर टेकन टू द टैंक बाई विच फाइबर्स गेट लूजन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक, तो जो उसका तना होता है उससे वो जो है फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। द रेटिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटली कम्प्लीटेड इन 8 to 30 days, पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है 8 से लेकर 30 दिन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो 30 दिन मतलब हमें लगता है कि पूरा पूरा उसको क्या नाम है फाइबर को निकालना, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना, वो सब प्रोसेस आ गई है इसमें, ठीक है। तो 30 दिन तक पूरा समय लग जाता है, नॉर्मली 8 दिन बाद उसको हम उसके फाइबर्स को निकाल लेते हैं। व्हेन द बार्क सेपरेटेड आउट इजिली फ्रॉम द स्टिक आर वुड एंड द फाइबर्स आर रेडी टू एक्सट्रैक्शन, अब इसको हिंदी में समझते हैं कि रेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जूट के बंडल को, बंधे हुए बंडलों को टैंक में ले जाकर के वहाँ पर ढील ले जाया जाता है, और जिससे कि रेसे जो है ढील हो जाते हैं और लकड़ी के डंठल से अलग हो जाते हैं। रेटिंग प्रक्रिया 8 से 30 दिन में पूरी हो जाती है, और जब छाल मतलब जो उसका बार्क होता है, मतलब कवर जो स्किन है, आसानी से छड़ी या लकड़ी से अलग हो जाती है, तो रेसे का निष्कर्षण, रेसा जो होता है, फाइबर जो होता है, वो एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग, ठीक है। इसको देख रहे हैं आप ये फिगर में, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से उसको सड़ाया गया है, ठीक है। सड़ाने के बाद ये सब सड़ाया हुआ है, अब इसमें से फाइबर को निकाला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसे हाथों से इसको निकालते चले जाते हैं, आसानी से निकल आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है रेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ एक्टिविटीज़ जो कि आपका कृषिगत फसलों में की जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और सारे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर इंक्लूड की थी, सब के सब सारे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।